भावी मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा होते ही बदल गई भजन परिवार की जिंदगी। जी हाँ, भाजपा की विधायक दल की बैठक में विधायक भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा होने के साथ ही उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव हुआ। अचानक उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ और उन्हें एक अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर उन्हें गेस्ट हाउस में सुरक्षा कारणों के चलते शिफ्ट कर दिया गया। अप्रत्याशित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने सामान्य परिवार के भजनलाल शर्मा और उनके परिवार की ज़िंदगी 36 घंटे में 360 डिग्री बदल चुकी हैं। मालवीय नगर के बालाजी टावर 3 में रहने वाले उनके परिवार में 12 दिसंबर शाम करीब 4:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। पत्नी गीता शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और एक बेटा दोस्तों के साथ, दूसरा अपने काम में व्यस्त था। यह तो मालूम था कि भजनलाल शर्मा मंत्री बनेंगे, लेकिन परिवार ने सोचा नहीं था कि सीएम बन जाएंगे। जब 13 दिसंबर को दोनों बेटे फ्लैट से नीचे उतरे तो गुलदस्ते लिए कई लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब तक दोनों सीधे गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाते, लेकिन अब सेल्फी के लिए कैमरों से गिर गए। अब स्कूटर की जगह कार थी और फ़ोन पर दर्जनों मिस कॉल। परिवार को मालवीय नगर स्थित बालाजी टावर अपार्टमेंट में 2100 वर्ग फीट में बने डुप्लेक्स फ्लैट से सहकार मार्ग पर बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। पड़ोस की महिलाएं मालाएं पहनाने पहुंची तो भजनलाल की पत्नी पुलिस सुरक्षा में घिरी नजर आई। पत्नी गीता शर्मा रोजाना बिल्डिंग की महिलाओं के साथ बाहर निकलती, अक्सर किटी पार्टियां होती थी। रिश्तेदार सुशील शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग की 8 महिलाओं का ग्रुप था। गीता ने आश्वासन दिया कि शिफ्ट हो गई हैं, दूर नहीं हैं, अपने ग्रुप को सीएम हाउस बुलाती रहेगी। पड़ोसियों ने बताया कि भजनलाल शर्मा हमारे साथ जवाहर सर्किल तक रोजाना वॉक करते थे, अब उनकी वॉक तो सीएमआर में ही होगी। भजनलाल शर्मा अपनी सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं और अभी संरक्षक हैं। शर्मा के पास सफारी कार थी। दोनों बेटे कुणाल व अभिषेक एक ही स्कूटर से काम चला रहे थे। कुणाल के मित्र चैतन्य बताते हैं कि 10 साल से हमारी दोस्ती है, पहले ज़्यादातर समय हम साथ बिताते थे, अब कुणाल और उसका भाई सुरक्षा घेरे में हैं। उनसे मिलने के लिए दोस्तों परिचितों की लाइनें लगी हैं। पड़ोसियों ने कहा कि हमारा अपार्टमेंट फेमस हो गया है, अपार्टमेंट की सूरत बदल रही है, बंद लिफ्ट भी ठीक हो गई हैं, पहली मंजिल पर लाइट भी लगा दी गई हैं। और इस तरह भजनलाल शर्मा के परिवार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। भजनलाल शर्मा के साथ ही उसके पूरे परिवार को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट किया है। हमारा प्रयास रहेगा भजनलाल शर्मा के जीवन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।